देखो जब भी कोई खिलाड़ी मैदान पे उतरता है ना तो हमेशा उसका एक ही एम होता है कि आज मैदान पे गया हूं तो बस जीत के आना है, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बस जब तक वो सब कुछ खेल भावना के अंतर्गत और क्रिकेट रूल्स को फॉलो करते हुए कर रहा हो। लेकिन कई बार कुछ प्लेयर्स के जीवन में ऐसी सिचुएशंस अपने आप ही आ जाती हैं जो उन्हें ऐसे रास्ते पे धकेल देती हैं जहां उन्हें उनके जीवन के सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ता है। और किसी भी क्रिकेटर के लिए जितना खराब दौर उसका क्रिकेट टीम से बाहर होना नहीं होता, क्रिकेट की किसी मैच को हार जाना नहीं होता, उससे ज्यादा बुरा होता है क्रिकेट से बैन होना। क्योंकि लोग हार को आज नहीं तो कल भूल जाते हैं। टीम से आप बाहर भी हो तो भी आप आने वाले कल में वापसी कर सकते हो, पर बैन एक ऐसी चीज है जो आपके करियर के साथ जुड़ जाती है, जिसे ना आप फिर चेंज कर सकते हो ना मिटा सकते हो। और भविष्य में जब जब लोग आपकी गाथा सुनाएंगे तो हिस्ट्री में जाते ही वो बैन की कहानी अपने आप दुनिया के सामने आ जाएगी। तो आज हम ऐसे ही आपको 5 बड़े क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें क्रिकेट में बैन का सामना करना पड़ा, वो भी बड़े ही अलग और कमाल के रीजंस के कारण। इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी का सबसे पहला नाम आता है उसके बारे में आज इस बात पे विश्वास करना बड़ा ही नामुमकिन सा है, क्योंकि उस खिलाड़ी का नाम है सर रविंद्र जडेजा। आज जडेजा के बिना भारतीय टीम को इमेजिन करना भी एक गुनाह समान है, पर यह सच है कि एक वक्त ऐसा भी था जब रविंद्र जडेजा पे आईपीएल में पूरे एक सीजन के लिए बैन लगा दिया गया था। वजह बताई गई कि जडेजा राजस्थान रॉयल्स में खेलते होने के बावजूद दूसरी फ्रेंचाइजेस को रीच आउट कर रहे थे उनको हायर प्राइसेस में बाय करने के लिए, और यहां तक कि वो अपनी फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स में भी ये दबाव डाल रहे थे कि उनकी प्राइस बढ़ाई जाए। और आईपीएल के एक रूल के मुताबिक आप अगर किसी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप दूसरी टीम्स को रीच आउट नहीं कर सकते हैं और ना ही आप अपनी फ्रेंचाइज के साथ कोई भावताल कर सकते हैं। यही कारण रहा कि जडेजा पूरी 2010 आईपीएल से बैन कर दिए गए। ये सुन के अब तो यही कह सकते हैं कि अक्सर जवानी में दिल बहक जाता है, पर आयरनी देखिए कि जो प्लेयर अपने प्राइस को बढ़ाने के लिए बैन करा गया था वो आज आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयरों में से एक है। अब लिस्ट में जिनका नाम आता है वो है नन अदर देन प्रवीण तांबे, जिनके बारे में मैंने कुछ वीडियोस पहले ही आपको बताया था और उस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो वीडियो आज 1 मिलियन क्रॉस करने की कगार पे है, या शायद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो ऑलरेडी कर चुकी होगी। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि प्रवीण तांबे जब 41 साल के थे तब राजस्थान रॉयल्स ने 2013 आईपीएल के लिए उन्हें बाय करा था, और 2014 में तो तांबे ने आईपीएल और चैंपियंस लीग में अपनी बॉलिंग से तबाही मचा दी थी। पर 2018 में तांबे को एक T10 लीग का ऑफर मिला तो उनके रास्ते में रोड़ा बन रही थी BCCI पॉलिसी, जो कहती थी कि जब तक आपने अपना सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट घोषित नहीं करा है तब तक आप किसी फॉरेन लीग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये देखते हुए तांबे ने 2018 में संन्यास की घोषणा कर T10 लीग में हिस्सा ले लिया, पर इत्तेफाक ये हुआ कि अगले ही साल उन्होंने आईपीएल में वापस से खेलने के लिए अपने संन्यास को वापस खींच लिया, और KKR ने भी उन्हें 2020 आईपीएल के लिए 20 लाख के प्राइस पे पिक कर लिया जब तांबे 48 साल के हो चुके थे। पर जब आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने जांच करी तो पाया कि तांबे ऑलरेडी फॉरेन लीग खेल चुके हैं जिसकी उन्होंने कोई ऑफिशियल परमिशन भी नहीं ली थी, और ये कर उन्होंने BCCI की पॉलिसी का उल्लंघन करा है जिसके कारण उन्हें आईपीएल 2020 से बैन कर दिया गया। ऐसा करना कितना सही या गलत था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे जो प्लेयर का नाम आता है वो है और कोई नहीं बल्कि मनीष पांडे। वही मनीष पांडे जिन्होंने आईपीएल इतिहास में भारत के प्लेयर द्वारा सबसे पहली सेंचुरी मारी थी। पर इनसे भी एक छोटी सी गलती हुई, वही जो उनकी जवानी में जडेजा से हुई थी। साल 2011 में जब मनीष पांडे पुणे वॉरियर्स के द्वारा पिक करे गए तो खबर आई कि
मनीष पांडे के एजेंट दूसरी फ्रेंचाइज के साथ टच में थे उन्हें ज्यादा प्राइस दिलवाने के लिए। और जैसा मैंने बताया कि ये आईपीएल पॉलिसी के अगेंस्ट था, जिसे देखते हुए मनीष पांडे पे भी बैन लगा। पर जहां जडेजा पूरी आईपीएल से बैन कर दिए गए थे, तो वहीं मनीष पांडे को एक राहत जरूर मिली कि वो सिर्फ 4 मैचों के लिए ही बैन किए गए। अब जो बचे 2 किस्से मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देंगे, पर उन पे नजर डालने से पहले मैं बता दूं कि आज खेला जाने वाला है आईपीएल का बहुत ही तगड़ा मैच, जो होगा दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और आज बहुत ज्यादा उम्मीद है कि डेविड वार्नर भी वापसी करेंगे, तो इसलिए आज तो बिना सोचे हमने अपनी गेम्सी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है केएल राहुल और डेविड वार्नर को। तो अगर अभी तक आपने अपनी गेम्सी टीम नहीं बनाई है, बिना वेट करे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज ला रहे हैं, और साथ ही साथ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन भी डाल रहे हैं जो आपको पैसे बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन को अपने दूसरे चैनल किकबाजी विद जोशी पे पूरा A to Z 11 प्लेयरों के साथ भी वहां पे डालते हैं, तो अगर उसे भी आपने चेकआउट नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि गेम्सी पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहां कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, तो आपके जीतने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। और ऊपर से जैसा मैंने कहा, जो मैं एक्सक्लूसिव और VIP गिव अवेज और ऑफर्स अपने टेलीग्राम चैनल पे लाता हूं, वो आपका काम कई हद तक आसान कर देते हैं और आईपीएल में प्लेयर के साथ साथ आपके करोड़पति बनने की चांसेस को भी काफी बढ़ा देते हैं। तो दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट नाउ। खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर। तो अब चले अगर अपनी उस लिस्ट की तरफ, अब मैं आपको इस लिस्ट का सबसे मशहूर नाम और किस्सा बताने वाला हूं, जिससे आज हर क्रिकेट फैन वाकिफ होगा। जब 2008 आईपीएल में पंजाब और मुंबई के बीच चल रहे एक मैच के एंड होने के बाद जब दोनों टीमें हाथ मिला रही थी, तो तभी अचानक से टीवी स्क्रीन पे एक फुटेजेस आने लगी जिसमें श्रीसंत रोते हुए देखने को मिल रहे थे, और तभी खबर आई कि भज्जी ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा है। मामला उठा और हरभजन को उस आईपीएल से बैन कर दिया गया। वैसे श्रीसंत ने उस इंसिडेंट के 5 साल बाद 2013 में बताया था कि असल में उन्हें भज्जी ने थप्पड़ मारा ही नहीं था। वैसे अच्छी बात यह है कि आज दोनों ही क्रिकेटर के बीच रिश्ते एकदम बढ़िया हैं, क्योंकि उसके बाद भी दोनों क्रिकेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेले, और रिसेंटली जब श्रीसंत ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी तो भज्जी उनके रिटायरमेंट पर रिएक्ट करने वाले सबसे पहले इंसान थे। अब जो लास्ट नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और वो नाम सिर्फ कुछ मैच या सीजन के लिए बैन नहीं हुआ बल्कि उसे आईपीएल से आजीवन बैन कर दिया गया, और वो नाम है ल्यूक पोमर्स बैच। पोमर्स बैच 2008 आईपीएल से जुड़े हुए थे, पर 2012 के आईपीएल सीजन में चीजें ऐसी बदली कि फिर सुधरी ही नहीं, क्योंकि 2012 में जब उन्हें आरसीबी ने पिक करा तो एक अमेरिकन मॉडल द्वारा पोमर्स बैच पर मोलेस्टेशन के इल्जाम लगे, जहां अमेरिकन महिला ने उन्हें और उनके फियांसे को भी परेशान करने का इल्जाम लगाया। पोमर्स बैच पर केस दर्ज हुआ और वो गुनहगार साबित हुए, जिस वजह से उन्हें जेल हो गई। पोमर्स बैच कई बार जेल से रिहा जरूर हुए, पर आईपीएल ने उनपे आजीवन का बैन लगा दिया। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में काफी कुछ जानने को, समझने को और सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसमें से किसी भी केस में क्या आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ, तो कमेंट में जरूर बताएं, जो भी ये वीडियो देख रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर अपनी आज की मैच की टीम बनाना ना भूलें, और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे तो जरूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम में जाएं, क्रिक टाइम विद जोशी सर्च करें और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, बजाय इसके कि आप लगातार हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, तो इतना सा कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें कि जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और बढ़िया वीडियोस लाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।